बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन इकराम, आपको आपका मेज़बान इब्ने हसन आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, पुरानी शराब नई बोतलें, वही हमारा जज्बाती इस्तेहसाल जो 76 साल से होता आ रहा है। हमारे डॉक्टर हमें, हमारे महरीन हमारे उनको मैं क्या कहूँ, हमारे बस यही तक कह के रुक जाता हूँ। हमें जो 76 साल से मुख्तलिफ किस्म के नशावर मशरूब पिलाते आ रहे हैं, जो हमें मंजन बेचते आ रहे हैं, जो हमें चूर्ण खिलाते आ रहे हैं, अब भी वही कुछ है। पहली बात तो ये कि मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अगर इमाम खाना काबा पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं तो हम उन्हें खुश दिली से खुश आमदीद कहते हैं, सिर्फ एक इमाम की हैसियत से। और मैं आपको अर्ज करता चलूं कि ये भी कहीं कुरान पाक में खाना काबा का जिक्र नहीं, उसे मस्जिदुल हराम कहा जाता है। वो एक मस्जिद है इबादत की, जैसे दूसरे खुदा के घर हैं। अल्लाह पाक वहाँ खाना काबा में नहीं रहता, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ। अल्लाह पाक तो जर्रे जर्रे में है और कहीं भी नहीं, वो लाम कहाँ है और हर जगह मौजूद है। तो जिस तरह हमने वो पता नहीं इमाम काबा ने कोई बात की है या नहीं की, हम कौन वहाँ बैठे हुए थे, कौन से मौजूद थे, तो जिस तरह का मीडिया पे उनका नाम लेकर, खाना काबा का नाम लेकर हमें हमारा मजहबी जज्बाती इस्तेहसाल किया जा रहा है, कोई खुदा का खौफ करो। मैं इनसे, हो सकता है ये मुझे जूते मारे हमारे टोपी सोटी वाले बूट बंदूक वाले, लेकिन यार आइए डीजी आईएसपीआर साहब मेरे कजन, वो खुदा का खौफ खाओ। वो आया है तो आप तो उसका ऐलान कर रहे हैं कि उसने जीएचक्यू का दौरा किया है, तो मैं तो समझता था कि इमाम काबा सिर्फ एक मजहबी पेशवा है, लेकिन मुझे आज पता चला है कि वो अस्करी दफाई दुनिया का सबसे आला माहर है। उसके अलावा शायद वो असला साजी में भी एटम बम से जो अगली मनाजल हैं, जो हाइड्रोजन बम से भी, उससे भी अगली, वो कोई दुनिया का आला तरीन असरासाद भी है। कब तक हमें इस तरह के शरबत पिलाते रहोगे नशावर? और बताया ये जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब मेरे सैयद असम मनीर साहब, इनसे मैं इज्जत तो करता हूँ लेकिन इनसे मैं ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि इनके पास सोटी भी है, इनके पास टोपी भी है, इनके पास बंदूक भी है, इनके पास बूट भी है, इनसे मैं डरता बहुत ज़्यादा हूँ। मैं नहीं समझता कि ये सैयद होने के नाते मुझ पर रहम कर्म करेंगे, ये सैयद कम होंगे और जर्नैल ज़्यादा होंगे। तो माजर के साहब, जो आप दोनों ने तीर मारा है, जो आईएसपीआर बता रहा है, आप दोनों ने उसकी मजम्मत की है, गजा में शहीद होने वालों की, गजा पे बमबारी की, तो आपसे बेहतर तो मैं, आज 50 दिन हो गए मैं ज्यादा कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ, 4-4, 5-5 दफा कर रहा हूँ, और मेरा दिल उनके साथ धड़कता है। तो आपसे ज्यादा बेहतर तो मैं मजम्मत उनकी कर रहा हूँ और 50 दिन से कर रहा हूँ। दूसरा फरमान यह है कि दोनों ने कहा कि हमारी हमदर्दियां कश्मीरियों के साथ हैं, और दुआ भी की है दोनों हजरात ने मिलके कश्मीरियों के लिए, गजा वालों के लिए। ये दुआएं, बददुआएं तो हम 76 साल से मांग रहे हैं, ईदैन पे, शबरात पे, शब्बे अमराज पे, इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ने की, हिंदुस्तान के। ओ मेरे आका हजूर, दुआओं का वक्त नहीं है, दुआ का वक्त है। असबाब की दुनिया में असबाब का मुकाबला है। असबाब बनाओ, असल से बेहतर टेक्नोलॉजी बनाओ, अमेरिका से बेहतर अस्करी टेक्नोलॉजी बनाओ,
अपनी मईशत बेहतर करो। हमारी शामत लाने की बजाय टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दो, अपने दफा पे तवज्जो दे। जनाब ये ज़रात वरात छोड़ें, ज़रात तो मैं नस्ली तौर पे मैं काश्तकार हूँ, जिमीदार नहीं। जिमीदार तो बड़ी जमीनों वाले होते हैं, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ काश्तकारी को, ज़रात को। हम कर लेंगे, आप सिर्फ खुदा के वास्ते, आप सिर्फ दफा पे सालमियत पे तवज्जो दें। उसके अलावा और तो और, बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, ये जो सिंध का गवर्नर है, मैं उसके बारे में क्या कहूं, मेरे अल्फाज आया होंगे उस पर, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता उस महूदा इंसान पे, जिस पे कल तक चोरी चकारी के हेरा फेरी के पर्चे थे, वो आज मजदूर बना हुआ। उसने हजामत भी अपनी मजदूरों की ऐसी करवा ली है, और शायद जब मीडिया पे आता है पान भी नहीं उसी तरह चबाता। पान चबाना कोई बद तहजीबी नहीं है, तो तहजीब है UPCP की, लेकिन जिस तरह ये बहुदा इंसान पान चबाता है, इसे देख के कराहत आती है। तो वो घटिया इंसान कह रहा है कि इमाम काबा ने मेरी बहुत तारीफ की है, वो कहता कि आप जैसा अवाम का हमदर्द खिदमत करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। वो घटिया इंसान, अगर तेरे जैसे ही कौम के रहबर रहनुमा होते हैं, कौम को चार चांद लगाने वाले होते हैं, तो कौम का बेड़ा गर्क करने वाले कौन से होते होंगे। वो खुदा के वास्ते, मैं अपने कजन को ही चौरी शरीफ साहब को कह सकता हूं कि खुदा के लिए ये मंजन तो अब घिसपिट गए हैं, ये जज्बाती इस्तेसाल हमारा अब बंद करो, हम इन बातों में नहीं आते। हाँ ये बताओ कि इमाम काबा ने कौन से आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, उस पर हम आपको सर पे उठाएंगे, आपके नारे लगाएंगे। कौन सा तीर मारा है GHQ में बैठ के कश्मीरियों के लिए, गजा वालों के लिए, गजा वाले जो कर रहे हैं अपने दस्ते बाजू पे कर रहे हैं। हमने तो उनको एक एस्ट्रो की गोली भी नहीं दी कि वो किसी अपने जख्मी बच्चे को दे लें। कौन सी उमते मुसलमान, कौन सा अर्ज मुकद्दस खुदा के वास्ते ये झूठे चूर्ण, ये जज्बाती चून, ये नशावर शरबत, ये फकियां बेचनी बंद कर दो। किसी को इससे गर्द नहीं, आप क्या कह रहे हैं, कोई यकीन ही करने को तैयार नहीं आपकी बात पे। अमल करके दिखाएं, बताएं कितने दस्ते भेजे हैं गजा में, गजा वालों की मदद के लिए, उनको इसराइल के मजालम से बचाने के लिए। यहां तक ये मजम्मतें करनी है, मुझसे ज्यादा मजम्मतें कौन कर सकता है, अजहारे हमदर्दी मुझसे ज्यादा कौन कर सकता है, वो तो मैं अकेला ही काफी हूं करने के लिए। कुछ अमल करके दिखाएं, हम आपको आपकी नस्लों के लिए दुआएं मांगते रहेंगे। आप क्या, सॉरी अहमद शरीफ साहेब, आप शायद मैं आप हमसायगी का फायदा उठाकर आपसे ही गुजारिश कर सकता हूं, वैसे भी आप चौरी भी हैं, वालदा की तरफ से बट्टी भी हैं, तो शायद आपका ज़र्फ मुझे कुछ कहने से रोक दे कि मुझ पर तशद्दुद ना हो। तो खुदा रा यार, ये वो गवर्नर सिंध का देखो खबीस का, इसी तरह पंजाब वाले हैं जो निजात बैठा हुआ, ये मोहसिन नकली ये भी कहेगा मेरे लिए, इसने कहा, या हमारे मरकज में जो बैठे हुए हैं, मान जाओ कि आपकी अखलाकी पोजीशन जीरो से भी कम है, इसीलिए अभी आप कभी इमाम काबा को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं। एक और हमें शरबत पिलाया गया, वो भी मैं मेरे दोस्तों आपसे शेयर कर दूं, कि कुवैत ने हमसे $10 अरब के MOU किए हैं। मुझे बताओ, मैं जिस हुकूमत से कहता हूं मैं $1000 खरब के MOU साइन करवा देता हूं, उनका क्या होता है। वो कितने MOU हैं जो जरदारी ने साइन किए थे चीन के साथ, $1 बिलियन उन पे अमल हो गया। वो इमरान खान ने MOU साइन किए थे, उन पे अमल हो गया। ये तो ऐसे लालीपॉप हमें ना दें, आपकी मेहरबानी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे लिए दुआ करना कि मैं डॉक्टरों के जुल्म जबर से बचा रहूं और आपके हाजिर देता रहूं। मुझे इनसे कोई परखाश नहीं, मैं तो मुस्बत तनकीद करता हूं। अगर इनके कोई भला हो, इनका, अदारे का,
कौम का मुल्क का, अगर इनको नाक बात गुजरती है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मैं हक बात कहने से तो हक को मैं छिपा तो नहीं सकता। इसके साथ ही जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।